कि उन्होंने मुझे यहाँ आपके रूबरू खड़े होने का मौका फराहम कराया। थोड़ी सी देर के लिए मैं तालियां वालियाँ बजाने के लिए आपसे नहीं कहूँगा, थोड़ी सी देर के लिए संजीदा होकर मैं एक्चुअली मैं फिल्मों में लिखता हूँ, मुझे मैं शहरों में यकीन जानने से इसलिए आता हूँ कि अल्लाह ने जो मुझे शायरी दी है मैं वो आप अपने सुनने वालों तक पहुँचा सकूँगा। मैं मुझे मुशायरों में जाने की फुर्सत भी नहीं और ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ शायरी और उर्दू के लिए मुशायरों में आता हूँ, आप यकीन माने। और मैंने इस छोटी सी उम्र में एक्सपीरियंस किया है, मैं यूपी के एक छोटे से गाँव मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ। मैं अपने गांव से दिल्ली गया, दिल्ली से फिर बॉम्बे गया और वहाँ से अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहाँ कहाँ गया हूँ। आप यकीन करें एक एक्सपीरियंस मैंने लिया है वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि दुनिया की कोई भी तरक्की हो, किसी कौम की हो, किसी मजहब की हो, किसी बिजनेस की हो, किसी देश की हो, किसी गाँव की हो, मोहब्बत के बिना मुमकिन नहीं है। तो आपसे दरख्वास्त है कि मोहब्बत का दामन पकड़ें, मोहब्बत का साथ दें, नफरतों को ख़त्म करें। बहुत हो गया बोलना और सुनना, तो नफरत में कुछ रखा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत से हम आगे बढ़ सकते हैं। जो मैंने सीखा यहाँ से एक माता और दो तीन शेर चुकी मैं मुंबई से हासिल हुआ बगैर किसी तमीज के ठहरे हुए एहसास का मंजर नहीं आया, ठहरे हुए एहसास का मंजर नहीं आया, मुद्दत से सफर में हूँ मगर घर नहीं आया। हाँ, ठहरे हुए आप चुप रह के भी सुनेंगे मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि शायरी जो है वो सुनने की चीज़ है। ठहरे हुए एहसास का मंजर नहीं आया, मुद्दत से सफर में हूँ मगर घर नहीं आया, और शिद्दत रफ्तार जरा थम के अभी तक रास्ते में कोई मील का पत्थर नहीं आया। तो हमको ये चेक करने की ज़रूरत है कि हम कहीं गलत सिर्फ में तो अपना सफर नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ के फिर जो है शेर यूँ हुआ कि रास्ते में कोई मील का पत्थर नहीं आया, रूठा वो किसी रूह की मानी जो बदन से एक बार जो बिछड़ा तो पलट कर नहीं आया। मैं आपके मतलब की बात करूँगा लेकिन इशारों में करूँगा। रूठा वो किसी रूह की मानी जो बदन से एक बार जो बिछड़ा तो पलट कर नहीं आया। दो तीन शेर में और पढ़ूंगा, कहत में रहना चाहता हूँ कि मुझे कौन सी गजल पढ़नी है उसके बाद शेर है कि एक मतलब दो तीन शेर और के खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, उसे अगर पा लिया होता तो फिर कोने को क्या होता, उसे अगर पा लिया होता तो फिर कोने को क्या होता, वो उससे दूर ना होते मैं उनसे दूर ना होता, ये अनहोनी नहीं होती तो फिर कोने को क्या होता। और शेर देखें कि यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सभी वक्त, मैं मिट्टी में नहीं मिलता तो फिर कोने को क्या होता। झील लाखों को ना होठों को कमल कहते हैं, झील आंखों को ना होठों को कमल कहते हैं, खून आंखों से जो टपके तो गजल कहते हैं। क्या बात। और शेर देखें कि हमने एक दिल पे कई साल हुकूमत की है, हमने एक दिल पे कई साल हुकूमत की है, हमको दुनिया में मोहब्बत का मुगल कहते हैं। यहाँ से गजल का मतलब दो दिन शेर पढ़ने से ना अपनी जगह लगा, बस प्यार से आप सुन लीजिएगा जिस मोहब्बत से मैं आया हूँ। मैं यहाँ से कुछ मोहब्बतें लेके जाना चाहता हूँ, पहली बार यहाँ हाजिर हुआ हूँ, आपकी बड़ी तारीफ सुनी है लोगों से। मतलब हाजिर है कि तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, और शेर देखें कि तू अपनी राह की
बात ठीक नहीं है बाहर में